जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन के दूसरे दिन प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्ड से नामांकन किए। वार्ड संख्या 15 से पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह की धर्मपत्नी सुधा सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके पति पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह भी साथ रहे। नामांकन प्रपत्र के दौरान सुधा सिंह और पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि लोगों के विकास के मुद्दे पर वह लोगों के बीच रहेंगे। वर्तमान सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को ठगा है। उन्हें उम्मीद है कि जनता जरूर आशीर्वाद देगी। जी मंत्री जी, बताएं आज चुनाव को लेकर किस समर्थन में आए हैं? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बहुत गंभीरता से चुनाव को लड़ रही है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल का ही है। और सबसे पहले हमने 33 के 33 प्रत्याशी घोषित किए। हाँ जी जी मंत्री, और इसमें पूरे 33 के 33 हमारे मेंबर लड़ रहे हैं पूरे जिले में। बहुत ही अच्छी स्थिति है और निश्चित रूप से दावे के साथ ये कहते हैं, जो विरोधी कोई सुन रहा हो तो इस बात को समझ लें, 25 सीट लोकदल जीत के आएगा। इससे कम सीट जीत के लोकदल नहीं आएगा। अध्यक्ष लोकदल का बनेगा और पहले भी लोकदल के पास वोट रही है। जिला पंचायत सुधा सिंह अध्यक्ष रही हैं, चेतन मलिक रहे हैं, अनूप सिंह रहे हैं, तो लगातार जो है लोकदल के बीच में कभी कभी रिजर्वेशन में उसमें गड़बड़ हो गई है। तो इसीलिए अब की बार भी बहुत पूरे सहयोग के साथ, जनता का भरपूर सहयोग है, लोकदल की तरफ लोगों की निगाह लग रही है। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि 25 सीट कम से कम लोकदल चुनाव में जीत के आएगा और लोकदल की ही पंचायत बनेगी। ये इसमें कोई किसी तरह का उल्लेख नहीं। तो लोकदल का ही अध्यक्ष बनेंगे? लोकदल का ही अध्यक्ष बनेंगे? लोकदल का अध्यक्ष बनेगा, जिसको चौधरी अजीत सिंह जिसके लिए मौल लगाएंगे वो ही अध्यक्ष होगा। लोकदल में कहीं कोई किसी तरह का बंटवारा, कोई टूट फूट नहीं है। जो वहाँ से राष्ट्रीय नेता तय कर देगा वही अध्यक्ष बनेगा। सब लोग एक तरफ से वोट डालेंगे।